नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रोलेंड जुनोजी कीबोर्ड लेकर आया हूँ। इस कीबोर्ड में बैंक सेट कैसे की जाती है उसको लेकर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो उस पर मैं आपको सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो RR म्यूज़िकल ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आइए, सबसे पहले आपको जो भी टोन आपको सेट करना है बैंक में, उसके लिए आपको परफॉर्मेंस में जाना है। जैसे मुझे 35 नंबर वाली ये टोन फ्लूट टोन बैंक फर्स्ट में लगानी है, तो उसके लिए आपको पहले शिफ्ट को दबा के प्रेस करके रखना है, साथ ही आपको लाइव सेटिंग प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने बैंक खुल जाएगी। फर्स्ट बैंक मेरी चल रही है। इस बैंक में मुझे जैसे ये टोन 6 नंबर पे सेट करना है, तो 6 नंबर पे ये वोकल पेड के सामने रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। पर क्लिक करते ही रजिस्टर आपकी टोन 6 नंबर पे रजिस्टर हो चुकी है। अब ठीक ऐसे ही मान लीजिए मुझे 2 नंबर पे ये गिटार का साउंड है, इसको मुझे सेव करना है 5 नंबर पे, तो शिफ्ट को प्रेस करके लाइव सेटिंग प्रेस करना है। बैंक खुल जाएगी। उसके बाद ये जो बटन्स है, इन बटन से 5 नंबर पे मैं लेफ्ट राइट बटन अप डाउन बटन से 5 नंबर पे ले आया हूँ। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर पे क्लिक करते ही ये टोन रजिस्टर्ड हो चुकी है। आप देख सकते हैं लाइव सेटिंग में 5 नंबर पे रजिस्टर्ड है, 6 नंबर पे फ्लूट है। ठीक ऐसे ही आप टोन को रिमूव भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस लाइव सेटिंग दबाएंगे और जिस भी नंबर के आपको टोन रिमूव करना है उसके लिए आपके सामने जस्ट ऑप्शन दे रखा है रिमूव बैंक, बैंक रिमूव ऑप्शन से आप पूरी बैंक रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप नई बैंक बना सकते हैं। रिमूव नंबर से आप कोई भी बैंक में से एक नंबर आप रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार।